हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 27 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ना। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कि मुझे जीके के और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। मैं आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं मैं सारे आपको बताऊंगा। बाकी आपके पास क्वेश्चन है अगर आप पेपर दे के आए हैं एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट करिएगा जितने क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, है ना। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, 26 मार्च 1971 को आपका बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था न्यूटन्स लॉ से, पूछा गया था किससे, न्यूटन्स लॉ से। अब वो कौन सा लॉ पूछा था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, है ना। बट न्यूटन का पहला नियम यही रहे आपका कि कोई वस्तु अगर जो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगी, और अगर जो आपकी मान लीजिए स्थिर अवस्था में है ना, तो स्थिर अवस्था में रहेगी अनलेस और अनटिल, मतलब जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। पहला ये हो गया। दूसरा आपका होता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये भी पता होगा आपको। और तीसरा होता है एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यही है आपके, अब जो भी पूछा रहा हो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आया था। ओके अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था G20 समिट। अब ये भी थोड़ा सा ईयर में कंफ्यूजन थी तो मैं आपको दो तीन ईयर का बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2019 में जो हुआ था आपका समिट वो हुआ था आपका ओसाका जापान, है ना, जापान के ओसाका में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। और 2020 का जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था सऊदी अरबिया रियाद, है ना, रियाद जगह है कहाँ पे, सऊदीया में, ठीक है, यहाँ हुआ था, ठीक, अच्छा। और 2021 का जो हुआ होगा वो होगा आपका इटली में, कहाँ होगा, इटली में होगा, ठीक है। और 2022 का जो आपका होगा वो होगा कहाँ पर, इंडोनेशिया में, कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी में से आई थिंक कोई पूछा रहा होगा, ठीक है। और 2023 का जान लीजिए कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके कुल सबमिट, है ना, आप जो भी पूछा रहा हो आप समझ सकते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए फुल फॉर्म से आया था, EMB के बारे में पूछा था, शायद 1 MB पूछा था। 1 MB होता है 1024 क्या KB, और MB का मतलब होता है क्या, मेगाबाइट, क्या होता है, मेगाबाइट, ओके। अच्छा एक और फुल फॉर्म आया था आपका IRDA, है ना, IRDA का आपका फुल फॉर्म पूछा था। तो इसके किस रेफरेंस में पूछा था ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, बट आई थिंक यही था आपका, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह कुछ बोल रहा था। तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी। अब बताइएगा क्या ये ऑप्शन में था या नहीं, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पूछा गया था आईएमएफ प्रेसिडेंट पूछा गया था, आईएमएफ प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका कौन है, क्रिस्टलिना, है ना, क्या हो जाएगा, KRISTALINA, क्रिस्टलिना और जॉर्जीवा, है ना, GORGEO RGIEVA, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक, ये हो गया। अच्छा अगला देखिए कंफर्म क्वेश्चन है आपका, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो झंडा दिवस ये पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर, ओके। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था विच प्लेयर बैंड इन 2019, तो 2019 में किस खिलाड़ी पर बैन लगाया गया था, बैंड प्लेयर, ठीक है। तो ये आपका 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, तो वहां पर इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था आपका क्या, एलेक्स हेल्स नाम था, उन पर जो है वो बैन लगाया गया था, ठीक है, डोपिंग वगैरह का कुछ केस था उसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक,
फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने किया था, तो सबको पता है कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, मैं लास्ट में हट जाऊंगा, सारे क्वेश्चन का आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ये पूछा गया था, और कब हुआ था तो ये भी जान लीजिए, 1939 में, 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कोई है मेरे पास, चंडा दिवस मैंने बता ही दिया, 1 MB हो गया, RDA हो गया। हाँ बस गाइस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, है ना, क्वेश्चन मानता हूँ मैं थोड़े से कम है, बट वीडियो काफ़ी डिले हो रही थी, मुझे एक जगह जाना भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो अपलोड कर दिया जाए। बाकी और भी मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिलते भी रहेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको क्या करता रहूँगा, वीडियो के कमेंट में बताऊँगा या फिर सेकेंड शिफ्ट की वजह मैं एनालिसिस कराऊँगा, लगभग सात नहीं और पहले ही करा देंगे। ठीक है, तो अगर सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस जब कराएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती हैं, है ना, यहाँ पे एनालिसिस मैं कराता रहता हूँ। बाकी एक मैं आपका रीजनिंग रामबाण वीडियो हम लोग का आ चुका है, 11 घंटे की बहुत अच्छी वीडियो मैंने अपने तरफ से बनाया है, और आप लोगों द्वारा पसंद भी किया जा रहा है, तो जानकर अच्छा लगा। और कुछ डिमांड है आप लोगों की रीजनिंग क्वांट वीडियो, है ना, तो रीजनिंग का क्वांट वीडियो भी, सॉरी रामबाण क्वांट वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, रीजनिंग रामबाण आ चुका है, तो रामबाण क्वांट वीडियो आएगा, वो दो पार्ट में आएगा, एक एडवांस रहेगा और एक आपका अर्थमेटिक रहेगा। ठीक है, तो एडवांस की मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों के बीच वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब तक एनालिसिस देखा करिए, और ये आप लोग भी अगर कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग रामबाण वालों, तो कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।